हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल रियल हेल्थ केयर में। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि नेचुरल तरीके से कैसे अपने स्टेमिना को बढ़ा सकते हैं ताकि हेल्दी रहने के साथ साथ सेक्सुअल लाइफ भी बेटर रहे। तो इस पर हम लोग डिटेल में बात करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आपसे कोई भी डिटेल मिस ना हो। अगर आपने हमारा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है जिसमें मैंने बताया है कि टेस्टोस्टेरोन टेस्ट क्यों होता है, कितने टाइप का होता है, कहाँ होता है, कितना प्राइस लगता है, तो आप भी ये जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिए गए लिंक पर क्लिक करके फुल वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं स्टेमिना क्या होता है। स्टेमिना वो ताकत एंड एनर्जी होता है जो आपको फिजिकली एंड मेंटली किसी काम को करने के लिए लंबे समय तक पावर देता है। आपका स्टेमिना जितना ज़्यादा रहता है आप उतने ही स्ट्रेस फ्री रहते हैं, चुस्त दुरुस्त रहते हैं, जल्दी थकते नहीं हैं, आप बेड पर भी लॉन्ग लास्ट रहते हैं, आपका संबंध बनाने का टाइम भी बढ़ता है। तो मैं 5 नेचुरल चीज़ें बताने वाला हूँ जिससे आप अपने स्टेमिना को बढ़ा सकते हैं। फर्स्ट, एक्सरसाइज। जब आपकी एनर्जी लो रहती है, थके रहते हैं, तो आप एक्सरसाइज को एकदम अवॉइड करते हैं, बट लगातार हर दिन एक्सरसाइज करने से आपका स्टेमिना बढ़ता है, आप एनर्जेटिक महसूस करते हैं, पूरे दिन आपकी बॉडी में एनर्जी बनी रहती है, आप जल्दी थकते नहीं हैं। इस पर बहुत सारे सर्वे हुए हैं और सभी सर्वे के रिजल्ट पॉजिटिव पाए गए हैं। तो आप एक्सरसाइज से भी अपने स्टेमिना को बनाए रख सकते हैं, इसलिए रेगुलर एक्सरसाइज एंड रनिंग जरूर कीजिए। सेकंड, योगा एंड मेडिटेशन। योगा एंड मेडिटेशन आपके स्टेमिना को बनाए रखने के साथ साथ स्ट्रेस हैंडल करने की क्षमता भी देता है। 2016 में हुए एक स्टडी में पाया गया है कि जिन लोगों ने 6 वीक तक कंटिन्यू योगा एंड मेडिटेशन किया उनके स्ट्रेस को हैंडल करने की क्षमता ज़्यादा थी, साथ ही उनका किसी काम में कंसंट्रेशन काफ़ी स्ट्रांग था, एनर्जी लेवल काफ़ी हाई था। तो आप योगा एंड मेडिटेशन से भी अपने स्टेमिना को बढ़ा सकते हैं। थर्ड, कैफीन। कैफीन भी आपके स्टेमिना को बढ़ा सकता है, कॉफ़ी से भी आपको कैफीन मिलता है। 2017 में 9 मील पर स्टडी हुआ और इनके स्विमिंग करने से 1 घंटे पहले 3 mg का डोज कैफीन दिया गया और रिजल्ट में पाया गया कि स्विमर्स ने बिना अपना हार्ट रेट इंक्रीज किए स्विमिंग अच्छे से की और उनका स्टेमिना भी काफ़ी इंक्रीज हुआ। अगर आप एक्सरसाइज में थके महसूस कर रहे हैं तो कैफीन आपकी एनर्जी को बूस्ट कर सकता है। वैसे आपको बहुत अधिक कैफीन लेने से बचना चाहिए और कैफीन के उस सोर्स से भी बचना चाहिए जिसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में शुगर के साथ साथ आर्टिफिशियल फ्लेवर भी रहता है। फोर्थ, टेक प्रॉपर रेस्ट। पूरे 8 घंटे की चैन की नींद लेना बहुत ज़रूरी है। अच्छी नींद स्ट्रेस लेवल को कम करती है, साथ ही आपके एनर्जी को बनाए रखती है, आपके स्टेमिना को बनाए रखती है। फिफ्थ, ईट हेल्दी डाइट। हेल्दी डाइट लेने से आपका ओवरऑल हेल्थ अच्छा रहता ही है, साथ ही आपके सारे विटामिन मिनरल्स प्रोटीन की कमी पूरी होती है। तो इसमें बात करते हैं डाइट में क्या ले जिससे स्टेमिना बनाए रहे। फर्स्ट, बनाना। अगर स्टेमिना को बनाए रखने के लिए फूड की बात आती है तो केला सबसे ऊपर रहता है। एक सिंगल केला आपको विटामिन B6, पोटेशियम, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, फैट एंड प्रोटीन देता है। केला जिम करने या एक्सरसाइज करने वालों को पोस्ट वर्कआउट में बेस्ट रिकवरी भी देता है, तो केला आपके स्टेमिना को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकता है। सेकेंड, ब्राउन राइस। व्हाइट राइस की तुलना में ब्राउन राइस आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी देता है क्योंकि इसकी प्रोसेसिंग टाइम काफ़ी कम होती है जिससे आपको बहुत सारे इसमें मौजूद न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। ब्राउन राइस बॉडी में जल्दी ब्रेक डाउन नहीं होता है जिससे आप पूरे दिन एनर्जेटिक फील करते हैं। इसमें मौजूद कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स आपको बेटर स्टेमिना देता है और साथ ही इसमें आपको मैग्नीशियम, प्रोटीन, फैट, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट, आयरन, मैग्नीशियम, फास्फोरस एंड सेलेनियम भी मिलता है। थर्ड, एग एंड चिकन। अगर आप नॉनवेज के शौकीन हैं तो एग एंड चिकन एक्सीलेंट सोर्स होता है स्टेमिना का। इसमें लियोसिन जो एक अमीनो एसिड का टाइप होता है जो आपके बॉडी में एनर्जी प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है, ये फैट को बॉडी में जल्दी ब्रेक डाउन करता है जिससे स्टेमिना इंक्रीज होता है। एग एंड चिकन प्रोटीन का सबसे ग्रेट सोर्स होता है। फोर्थ, फिश। फिश सबसे बेस्ट फूड होता है स्टेमिना को बनाए रखने के लिए क्योंकि इसमें हाई अमाउंट ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड रहता है जो ब्रेन एंड बॉडी के लिए हेल्दी होता है।
ये प्रोटीन, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट से भरपूर रहता है। ये आपके मेंटल हेल्थ के साथ साथ फिजिकल हेल्थ को भी बनाए रखता है, आपके स्टेमिना को बनाए रखता है। फिफ्थ, रोटी। गेहूं से बनी रोटी चावल के मुकाबले आपको अंदर से स्ट्रांग रखती है, आपको अंदर से ताकत देती है, जिससे आपका स्टेमिना बना रहता है। तो आपने अच्छे से जाना अपने स्टेमिना को कैसे बनाए रख सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है आपके लिए और भी अच्छे अच्छे कंटेंट बनाने का। और हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस करके ऑल को सेलेक्ट करें, ताकि हमारे आने वाले सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए, मैं उसके आंसर ज़रूर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।